तो एक सप्ताह वहाँ शरीर रखकर उसके बाद मैं लेकर आने के लिए तैयार होता उठाकर, लेकिन शरीर उठ नहीं रहा था, क्योंकि राजा लोग प्लान किया था कि हम दक्षिण दरवाजा से लेकर आकर यहाँ से निकाल कर डायरेक्ट यहाँ लेकर आएंगे करके, यहाँ पर करेंगे अच्छा जगह। तो पूछा अनुरोध भंती से कि भंती क्यों नहीं शरीर उठ रहा है, भंती लोग से पूछा, बोला महाराज लोग से राजा लोग को बताया कि महाराज आपका चित्त अलग है, देवताओं का चित्त अलग है, विचार दोनों को मैच नहीं करा, इसलिए देवताओं लोग जाने नहीं दे रहा सर। क्या चित्त महाराज बोलता महाराज ये देवताओं पसंद नहीं दक्षिण दरवाजा से ये शरीर बुद्ध का शरीर ले जाना, दक्षिण दरवाजा से चोर लोग का शरीर लिया ले जाता है, और मैं दंड दिया वो लोगों को ले जाता है, दक्षिण दरवाजे से बाहर निकालता भगाता है, देश से बाहर निकालता है, काटने के लिए ले जाता है, दंड देता है दक्षिण दरवाजे से ले जाने के, एक अगौरव माना जाता है, इसलिए देवताओं पसंद नहीं। तो फिर चेंज करता है दरवाज़ा, फिर इस पूर्व दरवाज़ा से ले जाकर आकर यहाँ पर आकर, लेकिन यहाँ पर फिर अंतिम संस्कार करने के लिए जब जलाने के लिए कोशिश, हम शॉर्ट बता रहे हैं, बहुत समय कम है हम लोग को, तो कोशिश करता है तो शरीर क्या होता है जल नहीं पाता है, पूरा कोशिश करता है जल नहीं पाता है। फिर पूछता है क्या वो भंती क्यों नहीं जल पा रहा है, तो बताता है भगवान भंती बताते हैं कि देवताओं जलने नहीं दे रहा, क्योंकि कौन महाकाश्यप भंती अभी तक पहुँचे नहीं, उनके कारण उनको वंदना किए बिना देवताओं पसंद नहीं कि मैं शरीर जले करके। तो अभी महाकाश्यप भंती 7 दिन लगता है आने के लिए, हम वहाँ तक वहाँ घटना बताए थे, जो निकला था पुष्प सब दिख रहा था ले रहा था, तो पुष्प जो में जो होता है वो में मदारा परसतुमाला आदि जो फ्लावर होता है, दीव फूल मनुष्य फूल सुगंध चमेली सब मनुष्य लोग बोलो थी बैग झोला भर भर के ले जा रहा था घर, सुगंध ज़्यादा है करके, तो वही मिलता है, तो वही माँ का सेवन थी, उनसे बातचीत करते तो भिक्षु लोग रोने लगते हैं, हम सब बताएं डिटेल्स। तो फिर महा का सेवन थी यहाँ पर आते हैं, माँ का सेवन थी यहाँ आने के बाद में महा का सेवन थी भगवान को शरीर को जिस तरफ उत्तर साइड में इस साइड पैर रहता है उस साइड सिर रहता है ऐसा ही जलाया जाता है, तो उसके उनके पैर के पास झुककर नमन करना चाहते हैं, पैर देख छू कर सिर पर रख कर, तो अपने आप उस जो कपड़ा लपटा रहता है सब निकल कर भगवान का शरीर पैर बाहर आ जाता है। इसके बाद महाकाश्यपंती आप उस पैर को अपना सिर पर रख कर अच्छा से नमन करते हैं, बहुत अच्छा से नमन करते हैं, नमन करने के बाद बाकी भिक्षु लोग भी नमन करता है। इसके बाद इधर पूरा माहौल पूरा अलग अंतर है, अभी हम सांगवेद से नहीं बता सकते, बैठकर बताने लायक वो मौका नहीं है, बात समझ में उधर जो बताएं ऐसा उससे भी ऐसा कुछ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दम 10 मिनट समय है। तो यहीं पर राजा महाराजा लोग बाकी लोग बैठा हुआ था, अरहंत बंती लोग अनुरुद्ध बंती महाकाश्यप बंती आनंद बंती आदि भिक्षु संघ बहुत सारे अरहंत मुनि लोग से पूरा एरिया भरा था, लगभग 100 में 112 योजन बोला जाता है पाली में, दूर देवताओं लोग था, तो इस एरिया पूरा में अलग हो गया था। तो फिर अंतिम संस्कार होने के बाद फिर राजा लोग जलाता है, भगवान का शरीर कोई जला नहीं सकता है किसी के द्वारा, वो ऑटोमेटिक जलता है, इसको सबके सामने साधुनाथ के बीच तुरंत जैसे हम पेट्रोल पे डालते हैं वैसा ही तुरंत एक बार अंतिम संस्कार होकर पूरा शरीर का जो अस्थि धातु है वो बच जाता है। तो अस्थि धातु बचने के बाद मैं इस एरिया जो परनिर्वाण के एरिया के बारे में हम तो बताए थे पहले ही कैसा है, तो अस्थि धातु यहाँ पर सब अस्थि धातु टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, बड़ा बड़ा अस्थि जलते समय अंतिम समय में अरहंत मंत्री लोग धातु को मेन धातु को निकालते हैं बोलते हैं ले लेते हैं, अंतिम समय द्रोणाचार्य जो होता है वो धातु को बांटते हैं अस्थि धातु को, तो द्रोणाचार्य उन्हीं के कारण यहाँ आता, उनका पुण्य होता है कि उसको बांट कर सही सलामत से बंटवारा कर सके, तो 8 भाग में बांटा जाता है, और एक एक टुकड़ा शरीर भगवान का अस्थि धातु अलग अलग प्रकार का होता है, चना का साइज का, मूंग का दाल जैसा, चावल का टुकड़ा जैसा, सोना कलर, मोती कलर और चावल कलर, अलग अलग कलर का अस्थि धातु, 3-4 कलर का, और भगवान का जीवा धातु, इसके बाद ये आकु धातु, ये सब हटता है, दान धातु सब निकल जाता अलग से, समझ गए। तो ये सब बाद में सुमन अरन बंती और महाकाच्यायन अरन बंती और बंती लोग मिलकर वो धातु को श्रीलंका में बुद्ध शासन स्थापित होगा करके श्रीलंका लेकर गया, एक आकु धातु देवलोक में है। इसका द्रोणाचार्य जब धातु बांट रहा था, हम जहाँ तहाँ से बोल रहे हैं टाइम सिस्टमेटिकली बताने के समय नहीं,
तो दांत धातु छिपा लेता है, बोलता है एक सिर में, एक कमर में, एक नीचे गिरा देता है, गिरा के फूल से ढक देता है। वो सोचता है हमें नहीं मिला, राजा लोग देगा नहीं, क्योंकि बांटने से पहले जवास्ति धातु के लिए युद्ध छिड़ जाता है, हमें चाहिए अस्थि धातु, हमें चाहिए अस्थि धातु। भिक्षु लोग हट जाते हैं, आरान बंसी लोग हाथ नहीं लगाते उसके लिए, हम नहीं लगाएंगे, मैं नहीं लगाते हम लोग। तो इसके बाद द्रोणाचार्य का आचार्य आता है ऋषि जैसा, वो बोलते हैं हम सही सा सिस्टम करते हैं, भगवान का इच्छा नहीं था कि अंतिम में ऐसा हो, भगवान प्रतिपत्ति को गौरव करते हैं, शांति इसका इज्जत करते हैं, इसलिए हम लोग उस सबके लिए बंटवारा करेंगे। तो आठ जगह था, क्यों मान लो लोग बोलता साहब हमको चाहिए, हमारा राज्य में बिम्बिसार राजा, बोलते तुम कैसे ले सकते, चिंता नहीं हमको, हम काट बिम्बिसार नहीं अजाशत राजा। इसके बाद जो भी मैं वैशाली से लिच्छवी राजकुमार, बाकी सब जगह आठ जगह से जो हाथी से आया सुनने में आया, तो सात दिन लगा आने में, तो ये सब जगह पे आकर पूरा भरा हुआ था राज सेना से, राजा लोग एक तरफ राजसेना लोग एक तरफ, इसके बाद भिक्षु संघ एक तरफ, भिक्षुनी संघ एक तरफ, पूरा एरिया कैसा होगा समझ जाए, ये अलग माहौल था। अंधेरा शाम का समय था, पूरा सब लोग शांत से बैठा हुआ, सब लोग ध्यान सुख में भिक्षु लोग बैठा हुआ था। उधर फिर लड़ाई झगड़ा, काट मार तलवार निकल गया था काट मार के लिए, लेकिन फिर द्रोणाचार्य बात करके सबको मन ठंडा करके हम बाटिंग करके बताया। तो इसके बाद धातु जो अस्थि धातु है उसके बारे में आता है कि अस्थि धातु, वो द्रोणाचार्य जो है सोचा हमको राजा लोग तो देगा नहीं, इसलिए हम पहले निकाल लेते हैं करके वो बाल में से करके धीरे से इसे डाल देता है, एक कमर में डाल देता है इसे चुप से, और एक नीचे गिरा देता है, बोला जाता है धातु वंश में आता है, और उसे फूल से गिरा देता है, पैर से इसे फूल से ढक देता है, किसी को पता ना चले करके। तो ऊपर वाला शाकर देवेंद्र लेके चला जाता है तावतीन से, देवलोक वहाँ स्तूप बनता है, नीचे वाला जो होता है नाग लोग बोलता है नीचे गिरा हुआ है करके, नाग नीचे से लेके चला जाता है, और एक कमर से निकाल देता है, वो गांधार तरफ एक राज वहाँ स्तूप बनता है। तो फिर चेक करता है कुछ नहीं है उसका, बाद में अंतिम तो वो फिर बाट आठ द्रोण बोलता है उसको, इसलिए उसका नाम द्रोणाचार्य है। तो आठ द्रोण बांटता है, तो हम लोग बोलते हैं पात्र जैसा, लेकिन कितना था पता नहीं हम लोग को सही से एक प्रमाण। तो वही फिर अंतिम में दस स्तूप बनाया जाता है, टोटल कितना स्तूप, दस, आठ भाग, और राख एक लोग को मिलता है अस्थि धातु का राख, एक पात्र जो द्रोणाचार्य बोलता है हमको कम से कम पात्र दे दो, हमको कुछ नहीं बचा, अब जो पात्र से नाप कर अलग अलग किया था वो पात्र। तो सब टाइम कितना टाइम 11 हो गया। तो फिर यहीं से सब चीज़ वो करने के बाद में वो सब होता है, और अस्थि धातु अभी भी श्रीलंका में ये गर्दन का जीवा धातु ग्रीवाई हड्डी जो है पर, ये आकू धातु का स्तूप, ललाट धातु, सुमन अरण बनते, ये सब अभी भी है, बहुत सारे अस्थि धातु, दंत धातु जो पुरी में जो था, बाद में राजा यहाँ से लेकर और भी दंत धातु तो उससे वहाँ गया था, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ जो आप सुने होंगे एक राम गाम का अस्थि धातु आठ भाग में से, में महाकाश्यप भंत जी बाद में सब धातु अस्थि धातु इकट्ठा करते हैं, हम बताए थे भविष्य को में जो सुरक्षा के लिए हानि है करके, वो जगह का नाम क्या था याद है क्या, हम बताए थे अस्थि धातु सब रखा हुआ था सम्राट सब के यहाँ से, हैं मानिया मानिया था एक और नाम था याद नहीं है, वो स्तूप में सोन भंडार नहीं है, सम्मुख चैत नहीं, वो सम्मुख चैत में पंचवर्गीय भिक्षु मिला था, स्वर्ण भंडार तो धर्म संगायन हुआ तो वो जोड़ता है स्वर्ण भंडार, मणिहार है लेकिन एक और नाम है। अच्छा ठीक है कुछ भी हो, हमको भी मन में उड़ गया बोलते ठीक है। तो उस जगह पे सब इकट्ठा किया था जो गोल स्तूप था, तो वहाँ पर इसके बाद एक जगह से नहीं ले पाया, कहाँ से राम ग्राम से वहाँ नाग लोग इकट्ठा करते, लेकिन बाद में वो स्तूप आपदा आने के बाद टूट जाता है, टूट जाने पानी बहते बहते नाग लोग सोचते हैं हम नहीं जाने देंगे बहाने देंगे, तो नाग लोग ले जाता है, वहीं से वो नाग लोग से फिर श्रीलंका जाता है अस्थि धातु एक स्वर्णमाली स्तूप के लिए,
वहीं से ले जाता है, क्योंकि आरहन बनते नागलोक से जाता है धातु लेने के, बोलता है हिम्मत है तो ले लो, नाग से बातचीत करता है हमको चाहिए हम ऐसे नहीं देंगे, वो अस्थि धातु निगल लेता है पूरा उसके साथ पेट में। इसके बाद बोलता है कि हमको चाहिए लेना है, ये भविष्य के लिए रखा गया ऐसा ऐसा, ठीक है ले लो, बोला किसी भी दस लेना ले लो, आरहन बनते इससे टक्कर कौन खा सकता है, ऐसे करके पतला होकर घुसकर अंदर से वो लेकर चला जाता है, वह हार के चला गया, देखो देखो करके हार करता निकलता नहीं है फिर, तो वो सब अलग विस्तार है। तो फिर रोते रोते आता है पीछे से, तो फिर वो घटना अलग है स्वर्ण माल स्तूप का, तो सब अस्थि धातु इधर उधर हुआ है अलग अलग कलर का अलग साइज का तीन चार, तो वो सब यहीं से शुरू हो यही हुआ है आधान स्तूप बोलता। बाद में यहाँ पर मैं बहुत बड़ा विहार था अरहन में, भिक्षु लोग यहाँ याद कर करके भिक्षु संघ ट्रेनिंग होता था धर्म का, मैं प्रयास करता था कोशिश करता था निर्वाण के लिए उत्साह करता था, तो उस समय हमारे अपर निर्वाण हुए कुछ स्तूप याद करके बना हुआ है, और भी बहुत सारा था जो खंडर हो गया बाकी अरहंतों के नाम से यहाँ पर। तो मैं इस जगह एक विशेष जगह है, एक पुण्य भूमि है, बोला जाता है दो सोल जो ऊपर वाला अंतिम वाला जो सोल है वो नहीं जलता है, उसी के ऊपर अस्थि धातु सब आता है, समझ गए, तो इस प्रकार से वो अस्थि धातु बढ़ता है, समझ गए। बहुत और भी लंबा है हमको बताने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए समय नहीं, मतलब धीरे धीरे बताने से मन में बैठता है। वाल संघाटी राइट, वाल संघाटी, वाल जो घूमता है संघाटी स्तूप। तो ठीक है साधु साधु, जिस पुण्य भूमि पे मेरे बोलने के बाद बोली साधु साधु, जिस पुण्य भूमि पर मेरे संस्था तथागत भगवान बुद्ध जी का शरीर अंतिम संस्कार हुआ, इस पुण्य भूमि को इस अध्ययन स्तूप को मैं नमन करता हूँ, मैं शरण जाता हूँ, मेरा कोटि कोटि नमन हो, जाने अनजाने में बुद्ध रत्न से जो कुछ भूल हुई तो, धर्म रत्न से जो कुछ भूल हुई तो, संग रत्न से जो कुछ भूल हुई तो, उसके लिए क्षमा मिल जाए, क्षमा मांगते हैं, इस पुण्य भूमि से मुझे माफी मिल जाए, साधु साधु। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं, तृतीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तिभिसो भगवो अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो अनुत्तरो पुरुषो धम्मसारथि सत्था देव मनुस्सानं बुद्धो भगवति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको एहि पश्यको उपनयिको पश्चात्तं विदितव्यो विज्ञो हीति सुपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो जुपटिपन्नो न्यायपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो श्रावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषो वाणि आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तनं लोकस्साति वन्दामि चेतियं सब्बं सब्बठाने बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वै सब्बार विजयं अकापत्तो सब्बं तं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिताहंपि ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। मेरे बोलने का परनिर्बान चैत्य को और धातु वंदना को हम लोग करेंगे। खत्वान लोक हित मत हितांच नाथो आसीति को व उपवत्तन बोलना मुश्किल हो रहा है क्या? कान नम ही
यस्मिन् निपज्ज भगवा निरुपादिशेषं निब्बान चेतियमहं शिरसा नमामि समत्त बुद्ध किच्चोसो कुशिनारायणिभूतो धातु भेद मभेदंच अधिष्ठाय महादयो उन्हि संचतुरोदाठा अख कातेव सत्तिमा असंभिन्ना चता सब्बा शेषा भिन्ना च धातुयो भिन्न मुग्गप्पमाना च भिन्न तंडुल सन्निभा महंता मध्यमा चेव खुद्दिका सासपूपमा महंता स्वर्ण वन्ना च मध्यमा मुत्तिकप्पवा खुद्दिका कुंद वन्ना च सब्बा वंदामि धातुयो महंता पंच नाली च मध्यमा पंच नाली च चनाली खुद्दिका चेव सब्बा वंदामि धातुयो अठदो नंचक्खुमतो शरीरे सत्तदो नं जंबुदीपे महिद्धि एकांचदो नं पुरिसे वरुत्तमस्स रामगामी नागराजा महिंति साधु 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 करणीय मत कुशलेन यांतं संतं पदं अभिसमेच्य सक्को जूच सूजूच सुवचो चस्य मुदुवनतिमानि संतोषकोच सुबरोच अपकिच्चोच सल्लोक उत्ति संतेन्द्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेषु अनुगिद्धो न च खुद्दं समाचरे किंचि येन विज्ञो परेपोदयो सुखिनो वा केमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखकर्ता ये केचिपानुभूतास्ति तसा वातावरा वा अन्वशेषा दीघा वा ये महंता वा मध्यमा रसकानुगतूला दिट्ठा वा ये वाद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अपि दूरे भूता वा संभवे सेवा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखकर्ता ये केचिपानुभूतास्ति तसा वातावरा वा अन्वशेषा दीघा वा ये महंता वा मध्यमा रसकानुगतूला दिट्ठा वा ये वाद्दिट्ठा ये च दूरे भूतावा संभवे सीवा सभ्य सत्ता भवन्तु सुखकर्ता न परोपरानि कोब्बे तैनाति मन्येत कर्तचिनं कंचे व्यारोसना पटुक संज्ञा नान्यमन्यास दुःखमिच्छये माता यतानियं पुत्तं आयुषाय एकपुत्तमनुरक्खे एवंपि सभ्य भूतेषु मानसंभावे अपरिमाण मेत्तं च सभ्य लोकास्मिन् मानसंभावे अपरिमाणं उद्दं अदोष तिरियं च असंबाधं अवेरंगसपत्तं तिट्ठं चरं निसिन्नोवासय नोवा यावत स्विगत मिद्दो ඒතං සතින් අදෙට්ටේය බ්‍රාහ්ම මේතං විහාරං ඉදමාව දෙට්ටින් චනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේගේ දං නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති තී එතන සත්‍යං සුවත්්‍යෝතු එතන සත්‍ය වඥන සබ්බ රෝගෝ සම්භයෝ සබ්බ දුක්ඛෝ විනාශතු එතන සත්‍ය වඥන හෝතු තේ ජය මංගලං සාදු 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 आज हम लोग बहुत पुण्य किए सारे पुण्य से आप सभी लोग सुखी हो निरोगी हो मंगल हो कल्याण हो सुख से और पुण्य धर्म करने के लिए ध्यान साधना करने के लिए प्रतिपत्ति पूजा करने के लिए और उत्तम धर्म को बोध कर निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए साधु साधु। तथा सारे भिक्षु संघ को पुण्य अनुमोदन करते हैं इस देश में इस दुनिया में जितने भी सिलगुण धर्म पालन करने वाले भिक्षु संघ सभी को सिलगुण धर्म पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए
मुक्ति शासन को चमकाने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु खाई निवाचा चित्ते ने पमाधि ने मया कतंग अक्षयं कम निबंते भूरी पन्य तथागते खाई निवाचा चित्ते ने पमाधि ने मया कतंग अक्षयं कम निधम्म संधि टीका कालिके खाई निवाचा चित्ते ने पमाधि ने अक्षयं कम निसंग पुण्य के तंग अनुत्तर साधु साधु। इसी जगह पे ये जगह जितना भी ब्रह्मांड में अस्थि धातु फैला है बोला जाता है एक एक लोम लोम भी बाकी में लोक धातु में ले गया देवताओं। और यहाँ पर मैं भगवान बुद्ध का जो ऊर्ण लोक धातु है वहाँ का चरण श्रीलंका के लिए लेके गए। तो ये सब बहुत सारा अस्थि धातु का हर सब्जेक्ट यहाँ पर धातु वंश में आता है जो अभी बताने के लिए मेरा देखने के समय नहीं बताने के लिए जो बहुत लंबा विस्तार जाएगा तो बहुत सांगवेद जाएगा रोना जाएगा। इस सब इधर सब लोग चुप है एकदम साइलेंट है उस समय जिस समय सब हो रहा है। भिक्षु लोग भी हाथ नहीं लगाया वो अपना प्रतिपत्ति में गया इसीलिए उस चीज़ को याद करते हुए अरे हमें भी इस भूमि में आकर नमन करने के लिए पुण्य करने के लिए भाग्य मिला करके साधु बोलिए साधु साधु साधु। दस स्तूप बना था पता है ना पात्र का और बाकी जगह में राख का ठीक है नमो बुद्ध। अभी चीवर खोलिए